बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन 11 मई के लिए। दोस्तों तो मार्केट में अब जो बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है 43,400 पे, 43,400 पे एक रेजिस्टेंस है। मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमें कॉल के लिए बैठना है। और जो बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 42,800। आज भी हमने वहाँ पे सपोर्ट दिया था, मार्केट वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स हो गया था। तो फर्स्ट हाफ में फॉल दिखाने के बाद मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट वो रेंज के अंदर ही बंद हो गया था। दोस्तों 15 मिनट्स की कैंडल में आप एक चीज़ और कर लें अपने चार्ट्स में, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो आपको ये लेवल भी याद रखना है, मार्केट में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे की तरफ टूटता है तो हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन भी कहीं कहीं ना कहीं हमारा 42,800 के सपोर्ट के आसपास ही आएगा। तो अगर ये ब्रेक करता है और कन्फर्मेशन